जैम सिकी जैम सिकी अजीज खुदा शिक्र करते हुए खुदा बारगाहों में आते हैं जी परमजीत बिल्कुल आ आ चौ, आ में, खुदा के में। मैं पैम अजीजों को भी इसमें शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि हम सब मिलकर खुदा उनकी बारगाहों में उन दरवाजों से गुजरे जो हमारे लिए नए शहर के लिए खुदा बनाए हुए हैं और जो नया शहर हमारे लिए तमीर किया गया है हमारी खातर खुदा उन्हें जगह तैयार किया है उसके जाने के लिए अजीज तैयारी कपड़े पहने में पूरा पता चल रहा है कि में बहुत सर्दी है और खास मेरी ड्रेस से भी आपको अंदाजा हो सकता है बिल्कुल चलते हैं सर्दीस की कलिसिया की तरफ क्योंकि हम सात कलिसो का जिक्र करते आए हैं और आज कलिसिया जो हमने चुनी है पाँच जैसे नंबर पर है ये सर्दी की कलीसिया है और जाहिर बात है कलीसिया में जो कुछ हुआ खुदावंद बेहतर जानता है चलते हैं कलीसिया की तरफ और मैं दुआ करता हूं इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सारी बातों को अजीज बहनों भाइयों खुदावंद के सामने रखते हैं और खुदावंद के कलाम को जो सीखने के लिए हमारी खातर इस दुनिया में ये लिख कर हमारे हाथों में खुदावंद ने दिया और फिर हमारे दिलों में नक्श कर दिया है अजीज बहनों भाइयों आइए इस कलाम को अपने दिल में जगह दें और इस पर अमल करें और इसको इसको अपनी जिंदगी में अमल में लाएँ तो हेले लिया खुदाम तेरा शिक्र करते हैं तेरी बेब्या मोहब्बत के लिए खुदाउं के तूने खुदा हमारे लिए रास्ता तैयार किया तूने कहा मैं राह हक और जिंदगी हूँ हेले लिया खुदाम तू ही राह है हमारी उस राह में खुदावंद कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि तेरी राहें सच्ची हैं तेरी राहें सीधी हैं तेरा शिक्र करते हैं खुदामंद आज के कलाम के लिए खुदावंद पवित्र आत्मा के अः हजूरी में खुदाउद जाते हैं पवित्र आत्मा रूहुल कुदस खुदाउद हमें घेर ले अपना फजल हम पर कर प्यार खुदा अपनी बहों में ले खुदाऊ चारों तरफ से और खुदा हमारे बातन में खुदाउंद अपना तख्त ता लगा ताकि खुदावन जो कुछ हम कहें खुदा खुदा तारीफ तेरी तमजीद और तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए तुझे जलाल देने हा, के, के लिए कहें और खुदा जब तू हमारे अंदर काम करता है रूल कुदस तो हम यशुसी की गवाही देते हैं खुदा हमें उस गवाही के लिए तैयार कर जो हमने दुनिया में लेकर जानी है और खुदा परमजीत के लिए और अपने लिए दुआ करता खुदा तेरा लहू लेता खुदा जो स्लीपर हमारी खातर और पूरी दुनिया की खातर खुदा बहाया गया पैर यसु ताकि शैतान की कोई ताकत हम पर वार ना कर सके और खुदावंद हम तेरे आ, तेरे हाथों में रहें तेरे अंदर रहें तेरी प्रोटेक्शन में रहें खुदाम सी फिर एक दफा खुदाम अजीजों के लिए दुआ करता हूँ जहां जहां भी बैठे हैं पैर खुदाम लोग तेरे कलाम को सुनते हैं और खुदाम तेरी तरफ नजरें उठाए हुए हैं खुदा और उस निशान की तरफ दौड़े चले जाते हैं प्यार खुदाम उनकी उम्मीद प्यार खुदाम तू ही है हेले लुया खुदाम तेरा शुक्र हो इन अजीजों के लिए जो इस वक्त ग्लोल टी देख रहे हैं प्यार खुदाम बड़ी बरकत दे प्यार खुदाम और खुदा अपने जलाल के लिए इनको तैयार कर खुदा और अपनी खुदा आमद के लिए खुदा जो खुदा अपनी कलीसा को लेकर तू लेकर जाएगा प्यार खुदा उसके लिए खुदाम तैयार कर खुदाम इस दुआ को आपने सुन लिया है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में हामी हामीन जीसस वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा बाइबल कहती है खुदाम बिल्कुल बिल्कुल सरफराज बहुत वैसे तो आप बहुत अच्छी समझदार की बातें करते हैं मैंने आपसे ज़्यादातर जो अच्छी बातें आपसे सीखी हैं और ख़ास तौर पर एक मसी होते हुए बहुत अच्छा आपने मेरी ज़िंदगी में बीज बोया है यू नो रूहानी तौर पे मैं उसके लिए ख़ुदा उनकी शुक्र गुज़ार हूँ मैं अपने आप को बहुत मुबारकबाद समझती हूँ कि इस मुक़दस कलाम को पढ़ने में थोड़ा सा सिखाने में और सीखने में जो है खुदा ने हमें चुन लिया है इस बात के लिए मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ इसलिए हम गर्व से कहेंगे कि हम मसीही

सिमरना और हाँ, तीसरी हां परमन हाँ और चौथी ताइटेरिया ताइटेरिया। और पांचवी सारदिस सार का जो है आज हम अंदर से बाहर उनको जरा देखने वाले हैं कि किस माहौल में किस तरह से उन्होंने जो था अपने ईमान को इस्तेमाल किया जिससे सारी बात ले दे के ईमान की है अगर हमारे पास फेथ है ईमान है तो हम जो है आन, कहते हैं कि अनदेखी चीज़ों को भी रिसीव करके बरकत पा सकते हैं और उस अनदेखे ईमान पे जो है हम जो है अभी से यहीं पर उस बरकत को ले सकते हैं तो ये बड़ी प्यारी बात है कि खुदा जो चिराग दानों के दरमियान

उनको अबदी जीवन मिले जहां उनको हमेशा की रोटी पानी मिले किसी चीज़ की कमी घटी ना हो बल्कि पुष्ट दर पुष्ट तक उनकी बरकत बनी रहे आमीन पैम बड़ी अच्छी बात की मनोरा और ये कलीसियाओं को जाहिर करता है जी और ये वो मनोरा है जो दुनिया में लाइट लेकर चल रहा है रखा हुआ, हुआ है और ये जो रोशनी है अजीज भानो भाइयों ये मनोरा uh, की अपनी नहीं बल्कि खुदामसुम सिखा की खुदा की लाइट है और हम रिफ्लेक्ट करते हैं खुदामसुम सि के खुदाम का मैं नूर हूँ हम इसलिए नूर है कि उनकी जो खुदावंद खुदामसुमसी की जो रोशनी है नूर है वो रिफ्लेक्ट करके फिर दुनिया में जाता है तो इसलिए मनोरा जो है वो कलीसियाओं को जाहिर करता है और यस्ुसी पहम जब हम कलीसिया में मुकाशा की किताब में पढ़ते हैं जब वो चलते फिरते युना आरफ को नजर आते हैं तो ये वो अभी वक्त है क्लिसो में फिरना कि जब खुदावंद कलिस की केयर कर रहे हैं अंडरस्टैंड किया बिल्कुल बिल्कुल खुदामंदी अजीज भानो भाई क्लिस की अब भी उसी तरीके से ख्याल रख रहे हैं।, रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको नसीहत कर रहे हैं उनको सम... मतलब के हर तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है ऐसे करो तो ऐसे करो तो ऐसे करो तो इस तरीके से मुख्तल तरीकों से खुदांद कलिसिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल बड़ी अच्छा मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए और खास तौर पर जो प्रोसिक्यूशन का सामना कर रही है जिनके लिए मुश्किल हैं और जो स्पिरिचुअल बैटल्स लड़ रहे हैं रूहानी जंग जो लड़ रहे हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं बेशक वो अच्छाई कर रहे हैं लेकिन उसके बदले में उनको बुराई मिल रही है उनको भी देख रहे हैं और वो याद दिलाना चाहते हैं हम हमारे रिमाइंडर के लिए ये लेटर है शारद के कलिसिया का आज भी कलिसिया ऐसे पढ़ती है क्यूँ क्योंकि उन्हें एक हौसला अफजाई की जरूरत है उन्हें इनकरेजमेंट की जरूरत hmm, है नॉट जस्ट स्मॉल इनकरेजमेंट बट ग्रेट टू दी एक्सटेंट के वो किसी चीज में भी लैक ना करे किसी hmm, चीज hmm, hmm. की भी उनमें कमी ना आए तो इसलिए और भी खुदा हम देखते हैं कि चर्चिस में कौन है लोग हैं और वो कौन है जो मुश्किल का सामना कर रहे हैं चर्चिस में है। खुदा के पास कौन आता है खुशी में भी आता है शुक्रगुजारी में भी आता है लेकिन ज्यादातर इंसान की फितरत है कि अपने मुश्, मुश्किल वक्त में आ, वो उसका सहारा लेता दु, है बिल्कुल जो उसको जो आम इंसान नहीं दे सकता तो वो जो मर रही कलीसिया यानी सारदिस की कलीसिया को कहा है कि डेड चर्च मर रही जिसका दम निकल रहा हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा लमे अभी बाकी हों उसके पास तोबा करने के लिए तो ऐसी कलिसिया की बात करता है क्योंकि जो सिर्फ उसकी कह लेना कि आखिरी बस थोड़ा सा दम रह गया है थोड़ी सी जान उसमें रह गई है और वो जो है रूहानी तौर पे मर रही है और उसकी जो सफर रोशनी है वो बुझती चली जा रही है बस आखिरी एक तिनका शायद तेल का है जिसकी वजह से वो अभी भी फड़फड़ा रही है जोत लेकिन वो जल रही है ऐसा ये हाल है शारदिश की कलिसिया का लेकिन खुदा कहते वो जो चिराग दानों के बीच में चलता है वो मरने नहीं देगा क्योंकि उसमें जीवन है उसमें ज़िंदगी है वो वो फिर से इस मुर्दा को को जो था वो उसकी जोत को जलाना चाहिए जैसे ऑयल लैम्प होती तो हम आहिस्ते आज टर्न करते तो उसकी जो लाइट बढ़ती जाती है तो इस तरह से खुदा इस कलेसिया को जो है इसके लिए इमरजेंसी सपोर्ट खुदावन दे रहे हैं ये इसे 999 डायल इन्होंने कर दिया है आप जो है, है की मदद करना तो पीछे पीछे विजिट किया टर्की में सफराज बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपने इजाजत दी कि मैं जा सकी वहां अपने तमाम मतलब फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ और इस कलीसिया को हमने खुद अपनी आंखों से देखा जो हम देख रहे इस वक्त रूइंस है वहाँ कोई ऐसा मतलब हज़ारों हज़ारों साल से उसके बाद कोई कलीसिया नहीं यहाँ इस्टेब्लिश हुई विजेंटाइन पीरियड के दरमियान चर्चिस लगी थी लेकिन फिर भी उसे आप बताएंगे बैकग्राउंड किस तरह से इस तीन चार बार इस जगह की जो तबाही हुई डिटेल्स में सफराज बताएंगे ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ वो साडिस की पूरा जो सीन आज सेट करने वाले हैं वहाँ क्या होता था कैसे ये लोग थे कैसा शहर था कहाँ बसा हुआ था सरज हमें जो है फिल इन करेंगे हम सर्दीस की कलिशिया का जो मोहल्ले वकूफ के कहाँ ये मौजूद थी हम जब आ, जाते हैं आसिया के इलाका का जैसे टर्की में आपने कहा हाँ, आसिया की ये सारी एशिया माइनर, माइनर ये कलीसियाँ थी उसमें सर्दीस की है और ये सॉरी नज़दीक नज़दीक थी कोई ज़्यादा दूर नहीं थी सात हाँ, क्लिसियाँ सॉरी ये समरना से के ईस्ट में जो थी और ये पचास मील के करीब तवा थीरा के जुनूब में 27 मील के एरिया में यानी इसलिए कली एक दूसरे नजदीक जुड़ी हुई थी किताब मुकदस में सरदीस का पहली बार जिक्र आया है यहीं से सिर्फ मुकाशफा की किताब में जीज़ इसका जिक्र है और ये एक परमजीत ये दौलतमंद शहर कहलाता था दौलतमंद शहर कहलाता था और ये जो लुधिया से ईस्ट की तरफ जो सड़क जाती थी उसके ऊपर वाक्य था ठीक है चूंकि लुधिया का भी इलाका था और मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी जो बाइबल मुकदस में लिखा है कि इसकी जो बड़ी सनत थी वो कपड़ा बुनना और जेवरात जारी बात है उसमें सोना, बहुत था है सोना, सोना, सोना बहुत और ये मतलब सुनार बड़े होंगे उसमें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सोना बिल्कुल। बेचने वाले और फिर जैसे रंग साजी करना और यह भी बड़ा इन कलीसों का एक जो में दूसरे थी कि पहले भी हमने देखा कि वो कपड़ा रंगने में तीरा तो के लोग तो एक दूसरे में मसीह आते तो ये इलाके जो थे कपड़ा रंगने के लिए बड़े मशहूर थे लोग आमतौर बुतप्रस्त थे जी इस इलाके के बहुत और शहर में पूरे यानी हिडन जो ये अः कल्ट किस्म के लोग थे जो हिडन अंदर ही अंदर क्लीचा बनाते थे क्लीचा नहीं थी मतलब कोई ऐसे लोग फिरके थे जो हिडन किस तरह का था? कल्ट कहेंगे कैसे जैसे पीरी फकीरी या नहीं, की पूजा। नहीं, उसमें टोटल जादूगरी हाँ, जा है जादूगरी जादूगर ये बिल्कुल इनके जो जादूगर ऐसे भी फिर होते हैं जो बिल्कुल हिडन उनका बाहर उनको नजर नहीं आता कि वो हिडन मीटिंग्स करते हैं छुपी हुई मीटिंग्स करते हैं हाँ। उसमें वही सारा शैतान की पूजा की जाती है ठीक है।, है तो इस किस्म के भी वहां फिरके पाए जाते थे और फिर उनकी थोड़ी सोसाइटियां थी बनी हुई ऐसे यानी थोड़े ऊपर अच्छी सोसाइटी बनी हुई लेकिन बाद में जब वो इकट्ठे कर लेते थे, थे लोगों को फिर वो पीछे वाले कमरे में वही बात है आगे तो लिखा था, से लिखा था, था। लेकिन जब महीने छह महीने के बाद like House, जैसे कहते हैं के हाँ। दिखाने को तो बहुत एक क्रिश्चियन कंट्री है बड़ी उसकी दिखाते हैं लेकिन अगर अंदर जाए तो पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि जो टोटली जो को जो मतलब रिप्रेजेंट करती है अंडरस्टैंड और नहीं? इस जो जगह थी इलाका था जो सर्दीस की कलिशा का जो इलाका था या जो गांव या शहर जो चारों तरफ थे उसमें एक सिबल एक लेडी सिबल, थी, सिबल। और उसके वो गॉडस थी गॉडस माना जाता था उसको माता देवी कहते देवी कह, हाँ। देवी कहते देवी. थे देवी. वो देवी थी और वो वो ये समझ उसकी इसलिए वो पूजा करते थे कि ये मुर्दों को जिंदा करती है कि मुर्दों को जिंदा कर देगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा मुर्दे तो जिंदा होते होंगे नहीं होते क्या मतलब कोई बुत जो है वो किसी मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकता जो खुद ही चल फिर नहीं सकता तो वो लोग बस इसी यकीन में आते थे कि मुर्दों को जिंदा ये मसीहत के आने से फैलने से पहले ये जो थी ये, ये पहले परस्ती से थी। और ये पहले जो कुलिस बाद में आए कृषा तो ऐसा ऐसा इन इलाकों में सारी बुत परस्ती थी और कृषे बीच में खुदा के जब लोग आना शुरू हो गए तो कलिसियां थोड़ी बढ़नी शुरू होगी जब खुदा का कलाम खुदा यसुम की गवाही वहाँ देने लगे खुदा के खादम तो उस तरीके से जब सच्चाई उनके सामने आई कि नहीं एक जिंदा खुदा है क्रिएटर है जिसने सब चीजों को बनाया है और वो देखो जिस तरह से कि ये पूरी दुनिया चल फिर रही है और कायनात में वर्किंग है अमल है अमल है, है है उनका असर है और पानी चल रहा है बादल उड़ रहे हैं बारिश हो रही है ये एक अमल है जो जिंदगी जाहिर करता है, है। और फल लग रहा है दरतों को तो ये जब खुदा के लोगों ने बताया कि नहीं इसके पीछे खुदा है जो पूरी कायनात को बनाने वाला इसलिए इनको बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई तो ये जो कलिस है यहाँ की जो कलिस है इन बातों में बेचारी बहुत वो कम छोटी सी क्लिस है और इन चारों तरफ ही उनके आ, मतलब के वो मुखालफ ग्रोह है जो खुदा को नहीं जानते अच्छा तो एक ये, तो ये, ये जो था एक जो था ये मतलब एक कह लें प्रस्ती का या जादूगरी का एक प्रेशर और दूसरा रोमियो की हुकूमत का क्योंकि ये रोमन के अंडर आता था हाँ। तो उनका भी एक अपना था जूस का होना आठ मेस और ये जो हाँ। सारे आगे। आगे। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये तो ओरिजिनल इंडिया तो पहले वहाँ की जी है, उसके जब रोमनोम वो कुछ और, और तो गवर्नमेंट करता है जैसे हम देखते हैं जो भी बादशाह आता है तो वहां मिक्सचर बना देते थे तो ये भी जब बादशाह आजम ने इसको एमती आजम ने इसको दो सौ चौदह में इसको फतेह किया एलेक्डर ने थ्री 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 कबल मसीह में इसको फतेह कर दिया तो जब जो जो भी आता था अपना मजहब या अपना जो उनका अपना, तो गौर, तरीका था, होता अपना था। गौर था, था अपना गौर था वो ला के बीच में रख देते थे हाँ। और गवर्नमेंट जो बादशाह का ज्यादा ऐसे ही हुआ कि जो भी बादशाह का मजहब होता था जिसको वो पूछता था जो भी उसकी रवायत या जो कुछ कर वही लागू करते थे कि ये ज्यादा से ज्यादा इलाके में फैल जाए तो जो भी बादशाह आता है ओल्ड टेस्टमेंट में जो पुराने जो यानी इसराइल के बादशाह वो अपने अपने मतलब के के अपने तरीके से तरीके। वो अपनी हाँ जी तो ये हम ये वादी शहर वादी है, हरमस से काफी अब ये शहर भी है कि ये पहाड़ों के ऊपर है वादी हरमस जो है वो नीचे है और ये पहाड़ इसको फिर हम दूर से देख सकते हैं और वही है हमारे पास एक दो तस्वीरें जो इसकी फुल आपको पिक्चर दे सकते हैं कि किस तरह से ये पहाड़ों के दरमियान ये देख सकते हैं हाँ जी थैंक यू ये देखें इससे भी ऊंचे पहाड़े लेकिन ये इसके चारों तरफ नीचे गहराई में आप देखेंगे जैसे पिछली दफा आपने दिखाया वो पहाड़ी के ऊपर वो शैतान का तख्त लगा हुआ है हाँ और जो ओरिजिनल बनाया था ओरिजिनल वही था दुनिया सही बात है वो कुर्सी बताई गई है तो उससे तवाथीरा की इसको फुल स्क्रीन पे अगर देखें तो आप इसका ये जो शहर का इम्पेक्ट देख सकते हैं आस पर देख कितनी ऊंचाई पे जो थे वो कासल जो पीछे है ना वो अब तो जैसे मर्ड स्लाइड हो गया तो उससे वो नीचे गिर गया है कासल इसके पीछे था जहाँ से ये जो एम्प्र था रूल और रेन

राइट द बैक फ्लैग लगा हुआ है हाजी, अभी हाजी, आप जाए तो ये कासल इसके ऊपर बिल्ड किया हुआ था वहां से ये जो थी रौनक और क्या कहते हैं ना जैसे के एक बहुत महल बड़ा राजे का ऊपर से और नीचे से वो गवन करता और देखता है तो ये, ये उसकी व्यू ये, ये जो शहर हम देख रहे हैं खंडरात ये ये जो है ये के नहीं है ये वहाँ की जो गवर्नमेंट जो शहर था, महल या शहर था अमीरों का हाँ अमीरों की हाँ जी। बात हाँ जी। है हाँ और हाँ जो जो कलिसिया थी वो जहरी बात है वो मजदूर पेशा लोग थे सही बात और है। उसमें उनमें जो फैल रही थी खुदा उनका कलाम खुदा के खादम जो सड़कों पर दे रहे थे उनसे मुलाकात करके दे रहे थे और इस तरीके से खुदावंत का कलाम फैलता जा रहा था तो तब ये ये जो शहर है यहाँ अमीर लोग जाहरी बात है हमने देखा कि कपड़ा बुनने वाले थी। उनकी फैक्ट्रियां मूव फॉर आगे बिल्कुल आगे चलते हैं और ये पैम, फिर यहाँ एक बड़ा बड़ा यानी आ, अर्थ को उससे ये तबाह हो सही गया। बात है ठीक है ना यहाँ तो से, जैसे पत्थर देख सकते हैं काले हुए हाँ, हैं इन इस शहर को जला दिया जाता जला भी देते थे और ये जो है दुबारा ये, ये शहर फोर्टीन सेंचुरी तक था अच्छा इसको तातार ने हाँ हा। इसको इसको तातार ने फतेह करके इसको टोटली तबाह कर दिया जी 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 जो बाहर के आते थे वो कहते कि हमारी तजारत हमारे मुल्क की तजारत ज्यादा है इन दूसरी कौमों की तजारतों को तबाह कर देते थे ताकि ये लोग हमारे गुलाम बने रहें तो ये तातार तर मलिन जो था उसने इसको टोटली तबाह कर दिया और एटीन फिफ्टी तक ये लोगों इसके अंदर कोई शख्स नहीं यहाँ का क्या ये बात है जबरदस्त सरफराज बहुत अच्छा आपने इन किया ना जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड क्योंकि सारदिस जो था जिस वक्त आप देख सकते हैं ये पूरी तफसल में आप वहाँ जाएंगे जब इस साइट को विजिट करते हैं तो पूरे नंबर दे के आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पूरा बताया गया कौन सी साइट कहाँ पर आप खड़े होकर थॉरली स्टडी कर सकते हैं देख सकते हैं ये कौन कौन सी जगह थी क्या होता था यहाँ सीने थी जो चर्चेज विजेंटाइन के पीरियड की जो बनी थी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सरराज ने फरमाया कि बहुत बड़ा शहर था I don't know. थ्राइविंग वेल्फी एंड एक्टिव सिटी थी बहुत बड़ी मतलब जोशरश वाली कह कि पूरा शहर था ये और आज इस शहर का नाम सार्थ के नाम से ये जाना जाता जी है uh, सारत, है और ये बहुत अब छोटा सा कस्बा रह गया है और ये मेन रोड से जो है कट लेता है तो अंदर आप जाते हैं हाँ। और इस वक्त भी जब हम वहाँ गए थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे फिग्स हैं वहाँ पॉमिंग ग्रेनेट्स है अनार लगे हुए हैं फल फ्रूट जो है अभी भी उसकी जो रौनक उसकी जो फर्टिलाइजेशन जो मतलब जमीन एक अच्छी खाल देती है उसे रिप्रेजेंट करता है लेकिन बात सिर्फ थोड़ी सी बात करता हूं कि हमें बिल्कुल ये पता नहीं लगना था कि यहाँ कोई क़लीसा है मगर सिर्फ एक मंदिर की बगल के अंदर मंदिर था बहुत बड़ा उसकी साइड में छोटा सा एक जब इन्होंने खुदाई की तो वहां से एक चर्च Yes, yes. उससे ये पता लगा कि यहाँ खुदा के काम हुआ है और की है यहां अच्छा ये क्रिस्टी की जो क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती मुझे बहुत ये बोल्ड है डेरिंग है और मतलब सबूत मांगती है ये जो क्रिश्चियन है ये ऐसे नहीं कि लकीर के फकीर कह दिया हाँ जी मेरे पीछे पढ़ो और बस हो गया नहीं ये कहते सबूत मांगते हैं और ये जो हमारे खास तौर पर जितनी भी यहाँ एक्सकवेशन होती है ढूंढते हैं चीजों को जब तक उनको फुली वहां सेटिस्फाइड ना हो तब तक ये इंडोर्स नहीं

कि खुदावंद कैसे कलीसियों से बात कर रहे और आज भी ये हाँ, हमारा अब हम देखते हैं कि खुदावन जी ने कैसे पिछली जो चार पे अपने आप को जाहिर किया उनकी जो कमजोरी थी जो खूबी थी जैसे मैंने कहा कि वो उन्होंने नोट किया और उसको फरमाया कलाम में रेवल्यूशन चैप्टर थ्री में हम देखेंगे इस कलिसिया को जब खुदावन जी ने अपने फरिश्ते से कहा कि तू खत को लिखो एंजल फिर से हम आपको बता देते हिब्रो में एंजल जो है वो खुदा के खादिम को पास्टर को या बिशप को जो हैड होता है उसको लिखा जाता है खादिम का तो जो है खुदावन जी है इस चर्च को क्या रिवील करना चाहते हैं हम आज हम देखते हैं सफराज जी पढ़ेंगे हाँ जी हमारी तीसरी पहली आज से पहली आज पे हम रुक कर जो जरा गौर करेंगे और सर्दीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की सात रूहें हैं और सात सितारे हैं वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा चलो पहली आयत को अगर हम देखें तो खुदावंद जी कहते हैं कि वो अपने आप को पहले तो कहते हैं कि हिम हु होल्ड्स द सेवन सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड एंड स्टार्स जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ठीक है और साथ पे जो है जो सेवन स्पिरिट्स ऑफ गॉड इसकी जो रेफरेंस है होली स्पिरिट को दी जाती है पाखरू पाक को इसमें भी आप हमारी मदद करेंगे देखने में और साथ जैसे हम जानते हैं मसीह के जो है कंप्लीटनेस को जाहिर करता है परफेक्ट नंबर को जाहिर करता है साथ इसलिए खुदावन यीशु मसीह कहते हैं इंडिकेट करते हैं कि वो जो कुदरत और कुत अपने हाथ में रखता है होल्ड करता है यानी कि होली स्पिरिट की बात कर रहे हैं कि यू नो ही रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट जो है इस कुदरत और कुवत को रिप्रेजेंट करते हैं और खुदा जी जो है होली स्पिरिट को भेजते हैं लॉर्ड जीजस जो भेजते हैं अपने रूह को आ, आ, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का रू यीशु से जो लेता है वो कृषि तक लेके आता है तो खुदा पाक रूह जी को देते हैं और वो दुनिया में जो आके मिनिस्टर करते हैं यानी कि उस जरूरत को पूरा करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है तो खुदा यीशु जो है वो रूह जी को भेजते हैं और जो करना चाहते हैं उनसे करवाते हैं ठीक है और इसके बाद जो है आप हमें बता दें जो सात स्पिरिट्स का जिक्र है आ, आ, क्योंकि मैं ये जो सात वो असल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सात रूहें रूहें रूहल कुदस की उस मुख्तलिफ खिदम के रूहल कुदस एक ही है लेकिन उनके जो खिदमत हैं जो मतलब खुदा बाप जो है जो उनको जब वो कहते हैं जी यहाँ ऑर्डर की बात नहीं है जो उनके मुंह से निकलता है तो पवित्र आत्मा वो जा करके उसी को उस पर तो मतलब के वो काम होना शुरू हो जाता है ठीक है ना खुदामंद पाक रू खुदाम बाप बेटा रूल खुदस एक ही है जब हम कहते खुदावंद बाप जो कहता है कि जब मेरे सता जब हम देखते हैं कि यहाँ यशुम सी के लिए मतलब वो साज की कलीसिया के फरिश्ता को कि जिसके पास खुदा की सातलु हैं सात सितारे हैं वो ये फरमाता कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ तो खुदा के पास है तो खुदावन जब देते हैं तो ये सात रूहे जो ये खुदा के तख्त के सामने खड़ी हैं ये जो एक मंजर है खुदा के तख्त का उसके सामने हमें हमें नहीं नजर आता लेकिन आरफ को बताया गया दिखाया गया कि यहाँ खुदा के जो कामों के जो आ, जो, जो काम पूरा गया होता है।, है।, पूरा होता तो है।, है तो चर्च जो सफराज किया गया पहली आयत में खुदाम जी कहते हैं मैं जानता हूँ आई नो यूर वर्क यू आर लाइव बट यू आर डेड तुम्हारा नाम तो ऐसे है कि तुम जिंदा हो लेकिन मुर्दा हो अब जो रूहानी तौर पर जो है खुदावन जी जो है उनको जो बाहर से अंदर से देख रहे हैं बाहर से तो वो लग रहे हैं कि मसीही हैं, क्रिस्चियन हैं, और लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मुर्दा है उनमें कोई जिंदगी नहीं है इसलिए खुदाम जी कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पास क्रिश्चियन नाम है क्रिश्चियन लोगों को भी कहते हैं कि सिर्फ तेरा मसीही नाम है लेकिन तू अंदर से मुर्दा है तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं है कोई नहीं है ठीक है, है। तो इस तरह से जो कलीसिया ये सार्डिस की थी ये मुर्दा कलीसिया इसको डेड चर्च कहना बड़ी, मतलब बात है कि एक किसी की कोई सिफ्त कहते कोई करे या किसी के बारे में अच्छा कहे तो कितनी वो अच्छा लगता है कि और करता जाए वो वो बात बार बार याद आती है अगर किसी की बुराइयों को निकाल कर उछाला जाए या कहा जाए एक्सपोज किया जाए तो कितनी शर्म वाली बात है तो ये जो कलीसिया जो थी वाकई ही शर्म लायक थी क्योंकि इनका ये नहीं पता चलता था कि ये देखने में तो मसीही लगते थे लेकिन इनके काम इनके करतूत जड़ियाँ से वो आम नॉम नॉमिनल जो लोग हैं यानी कि नॉन क्रिश्चियन हैं उनसे भी बुरी थी तो पता ही नहीं चलता था ये क्रिश्चियन है ये दुनियावी है या क्या है तो खुदावन जी कहते हैं कि जी देखते हैं और कहते हैं कि तू लगती तो बहुत खूबसूरत है बाहर से लेकिन अंदर से जो तू है मुर्दा है फिर वही रेफरेंस जो खुदा ने मती रसूल के केंजील तेईस और सताईस में कही के, के मुर्दा जो कबर जो है उसके अंदर मुर्दा ही पड़ा हुआ जितनी मर्जी कबर को सजा लो तो हाँ, है ना ऊपर मार्बल लगा दो बेशक सबसे बड़ा स्टोन लगा दो अच्छी से अच्छी राइटिंग लगा लो बड़े से बड़े जो मैं कहती हूँ बिशप को बुला के सफेद कबर जितनी मर्जी खूबसूरत उसको बना लो अंदर तो मुर्दा ही है तो ये चर्च जो थी इसका हाल

लेट्स बी सीरियस नाउ कम ऑन मैं now, मैं बस वही बात कर रहा हूं कि कई कब्रों पे वो खुतबे लिखे जैसे सफेद कब्रें हैं कई यहां कब्रों पे होते लिखा है कि अन कली 70 साल का बंदा 70 इयर्स ये, ये शेर लिखे होते कि ये हां शेर लिखे आज़ा. होते कि इस कली ने कुछ नहीं ये किया है इसने ना तो कोई प्रोसिक्यूशन देखा ना कोई इनको तंगी आई ना कोई इनको मुसीबत आई ना किसी ने बाहर आकर इनको जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की ये खुद ही मतलब उनके साथ मिल जाते थे तो इसलिए जो है इसमें ये ये खुदा के कलाम के मुताबिक ये बड़ी तोहीन थी यीशु सुखी क्योंकि ये, ये क्रिश्चियन कहलाते थे लेकिन काम इनके कैसे थे सिबल के पीछे जाना और जो और जो आठवें सरजूस की पूजा पूजा करना ऐसे बुद्ध प्रस्ती में शामिल होना क्योंकि हमने पिछली चार चर्चिस का जब जिक्र किया तो उसमें काफी हमने आइडल वर्शिप पे किया है मतलब कवर किया है तो इस्लाम जस्ट इट डाउन तो जो है इसमें रिलीजियसली ये पीसफुली रह रहे थे एक तरमी लिबास पा के एक क्रिश्चियन अपने अपने कहा के सोच देते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हम बचे हुए हैं हमें कुछ नहीं होने वाला लेकिन ये हैरसी थी खुदा के लिए कि खुदावन येसु मसीह को मतलब जो थे कुछ भी मतलब उस तरीके तो नहीं करते थे जैसे उनका करना चाहिए था, so, हो सकता है ये चर्च अपनी तो माज, क्योंकि जो उनकी सोसाइटी करती थी जो उनके आस पास थे इसीलिए ये तो, ये ऐसे थे अपने आप को परफेक्ट मॉडल उनको बनाकर बताते थे राजी हैं आप हमारे साथ राजी हो ठीक है लेकिन पैम उसका वही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त तो उनका असर था कि पॉलिटिकली जो लोग वहाँ के लोग थे और जो बिजनेसमैन थे उनका इन जो कलीसिया के लोग थे कलीसिया तो बन चुकी थी लेकिन इन पर पूरा असर था असर था, था। सेकेंड टेमथी चैप्टर सेकंड टेमथी का जल्दी से पढ़े चैप्टर थ्री सेकंड टेमथी दूसरा तिमोथियस तीसरा और उसका पांचवा बाब अगर आप नोट कर रहे हैं सॉरी थर्ड तीसरा बाब उसका हाँ जी पांच आयत उसकी हाँ पॉल यूं ब्याह करता है कि ऐसे मसीह वो हैं जो रिलीजियस तो हैं मजहबी तो हैं लेकिन खुदा की कुदरत और कुत को अपनी जिंदगी में इनकार करते हैं क्लियर हो गया ये क्लियर हो जाती है हाँ। हाँ वो दीन पांचवी आयत तमोतिय दूसरा तमोतीस और उसकी तीसरा बाब और उसका उसकी पांचवी आयत वो दीनदार की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे ऐसों से भी किनारा करना वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे शक्ल सूरत से मजबी होंगे हा, का हो हा, हाँ दुआ करना उनका बड़ा मजबी होगा ठीक है लेकिन वो, उनको यही है कि वो अगर वो चौथी आयत से शुरू करें तो ये सारा क्लियर हो जाएगा दगाबाज ढीठ घुमंड करने वाले खुदा की नस्बत इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे वो दीनदार की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे ऐसों से भी किनारा करना इन ही में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं बस इतना ही ठीक है क्योंकि ये जो ऐसी कम्युनिटी थी बेशक ये जिंदा तो थी खाती पीती नजर आती थी मसीह कहलाती थी लेकिन इसमें खुदा की जो कुदरत और कुवत थी मुर्दों को जलाने वाली और और जो बीमारों को चंगाई देने वाली वो ऐसी इनमें कुवत नहीं थी खुदा की कोई भी ऑपरेट करती हुई पावर इनमें नजर नहीं आती थी तो इसलिए जो खुदावंत के खादिम लिखते हैं चैप्टर टू थर्ड चैप्टर uh, में उसकी सेकंड सेकेंड में लिखते हैं बी वॉचफुल सबसे पहले खुदा कहते कि जॉग उठ जा वेकअप

और उन चीजों को जो बाकी है हाँ जी तो ये खुदावन जो है कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जो बचे थे सारी कलिसिया नहीं पूरी खराब थी सारी उसमें चंद लोग थे जो वफादार थे जो ईमानदार थे जो मसीह से प्यार करते थे उन्होंने अपने जामे जो थे ऐसी बदकारी में नहीं थे धोए ठीक है उन्होंने जो बुत प्रस्तों के साथ हामी नहीं मिलाई थी उन्होंने दूसरे बुतों की पूजा नहीं की थी सिबल को अपने घर में उसका बुत नहीं रखा था लेकिन वो जो लोग थे अभी भी वफादार थे खुदा जी के साथ वो खुदा उन कहता है कि वो जो येसु के साथ चलते हैं उन्हों, उन्हीं को ही सफेद जामे वो देगा जो खुदा के साथ चलेंगे उनको ही सफेद पोशाक मिलेगी तो जो व्हाइट गार्मेंट का खुदाउन जी जिक्र करते हैं इसे भी देख लेते चौथी आयत में लिखा है

पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लाइक है चौथी थी जी 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 बिल्कुल क्या करेंगे मेरे साथ सैर करेंगे इनवाइट फॉर दे और वर्दी है ना वर्दी और पांचवी जो गालब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम हाथ से हरगिज ना काटूंगा तो ये जो चंद लोग थे चंद लोग थे थे जो वफादार ईमानदार थे, थे खुदा जी के साथ उनकी वजह से जो बाकी कलीसिया की भी तंबी हो रही है उनकी वफादारी की वजह से जैसे मूसा ने इंटरसीड किया कि खुदावन तू बन इसराइल कौम को ना खत्म कर बेशक उनकी खताएं मतलब इन्यूमरेस इतनी ज्यादा है कि नहीं मिटाई जा सकती लेकिन ये भी मैं समझती हूँ इसी तरह वो दरमियानी बन गए और खुदावन जिसे खुदा ने उनकी मोहब्बत उनकी वफ़ादारी को देख जो बाकियों को भी के लिए उनके लिए उनकी खातिर जो है इसीलिए जब आप चर्च में फेथफुल है रोजा रखता है पूरी लेकिन खुदावन कहते हैं यहाँ चंद लोग हैं जो वफादार है जिन्होंने अपने जामे खराब नहीं किए इसीलिए खुदाउन कहता पांच मरतबा जो है रेवलेशन में सफेद गार्मेंट्स का जिक्र आया है सफेद पोशाक का जिक्र आया क्योंकि जो लडिसिया की चर्च थी उसको अपनी जो रूहानी शर्मिंदगी को ढकने की जरूरत थी hmm. अभी जो हमने लडिसिया की कलिसिया को देखना है उनको जरूरत थी कि अपनी वो स्पिरिचुअल शेम को कवर करें इसीलिए जो 24 बुजुर्ग हैं उन्होंने सफेद जामे पहन रखे हैं hmm. और जो शहीद हो चुके हैं वो इंतजार में है खुदावन के कि कब वो अदालत करे और उन्हें सफेद जामे पहनने के लिए दे आमीन एक्चुअली इट गोज ऑन यू कैन सी इलेवन uh, में देख सकते हैं बिहोल्ड ग्यारह में देख सकते हैं ये इसका जो मैं अभी मैंने जिक्र किया जी है छह में छा नहीं इसी के थ्री 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 बाप थ्री सॉरी इलेवन उस... इसकी बेहोल no बिल्कुल और पीछे लिखा था चूंकि तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आज़माने के लिए तमाम दुनिया में आने वाला है बिल्कुल मैं जल्द आने वाला जल्द आने वाला और ये जो है खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो बचाए गए हैं बहुत बड़ी सारी भीड़ है जो मुसीबतों में से बचाई जाएगी और उनको ये जामे दिए जाएंगे और इसका मतलब ये है कि जो शारदिश थे उनको बेशक सफ़ेद जामे खुदावन देने के लिए तैयार है क्योंकि अपनी आदतों को ठीक करें वो तौबा करें रिपेंट करें ताकि खुदा के सामने वो सफाई से पेश किए जाए ताकि वो क्लीन खुदा उनके सामने नजर आए जो उनमें कमजोरियां वो उनसे उन, उनकी क्योंकि वो सफर अपना फोकस खो चुके थे वो अपनी जो उनके जिस मकसद के लिए उन्हें बुलाया गया था जिस मकसद के लिए वो चर्च इस्टेब्लिश की गई थी सारदिस की वो जरूरत थी वहां के लोगों की क्योंकि तारीखी अरूज पे थी जैसे आपने बताया कि वहां की जो मतलब जो ऑकल्ट किस्म के जो जो वहां प्रैक्टिस होती थी उसके खिलाफ कह सकते क्योंकि सिबल से लोग चढ़ावा चढ़ाते थे कहते थे ये

repentete यू नो वी सी लेटर ऑन रिलीजन ने काफी ने जो फॉलो किया है जाते हैं वाइट कपड़े पहनते हैं लेकिन ये जो तरीका था ये एंशंट वर्ल्ड का था कि वो जो जो मजहबी कहते हैं की किताब में आप देख सकते हैं इसमें जो लोग थे वो वाइट पहनते थे और अपना खाना पीना खुशी से वो इंजॉय करते थे तो ये सारी बातें लिखी हुई तो ये जो एक निशान है सफेद कपड़े पहनकर ये एक्चुअली आखिरी वक्त की जो हम खुदा के बरे के साथ जो है हम पूरे इसका को जाहिर नहीं ये हाँ। जो व्हाइट अच्छा कपड़े पहन के दुल्हन जाती हाँ। है ये बरे के लिए आखिरी फसा में तैयार होने के लिए वो खुदा ये गारमेंट उसको देना चाहता है जो खुदा की खुदा ने जब कहा जब प्याला उठाया और रोटी ली उसने कहा मैं इसे तब तक ना जब तक अपने बाप के घर में तुम्हारे साथ ना इस जियाफत में तुम्हें तुम्हें शामिल करूं तो जब ये वाइट गारमेंट ये सार्डिस की कलीसिया को देना चाहते हैं इसका मतलब आखिरी वक्त बाप के घर में उस मेज में शामिल करना चाहते हैं जियाफत में तो कहते हैं कि ये जो उस दिन क्या होगा इनका जो ये सफेद लिबास है इनकी फतेह का निशान का ये निशान होगा सफेद और ये जो कपड़ा इनको याद दिलाएगा कि इनके लिए बेस्ट क्लोथिंग जीसस ने दी है बेस्ट दिया है वाइट से कोई और अच्छा कोई दाग नहीं। है दाग नहीं है तो जो जीसस ने इनको टोटली तो क्लीन और वाइट कर दिया है इसीलिए खुदावन जी की नहीं पड़ेगी ये रोटी, मेरा बदन तोड़ने की नहीं पड़ेगी साफ गया। तो ये बड़ी गहरी बात है इसलिए जो राइचस सेंट्स हैं सार्दिस के वो कहते हैं कि क्या खुदावन कहते हैं क्या तुम नहीं चाहते बरे की किताब में तुम्हारा नाम लिखा जाए जब तुम क्रिश्चियंस हो सिर्फ नाम के क्या तुम नहीं चाहते हो और जो गिब आए उसे हरगज ना काटूंगा बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूँगा जिसके कान हो वो सुने के रूह कलिस क्या फरमाता है शबी चुक खरूच की किताब एक्जोडस 32 32 में क्या 32, लिखा 32, है 32, हाँ जी क्योंकि खुदा ने जो है एक नया यरूशलम जो तैयार किया है जिसमें बड़े के आ, आ, के पास जिंदगी की किताब है और वो नए यरूशलम में है अगर उसकी किताब में हमारे नाम ना हुए तो हम नए यरूशलम में दाखिल नहीं हो सकते ये जो डिवाइन आइडिया है इसको थोड़ा सा ओल्ड टेस्टामेंट में टच करते हैं खروج हां जी खروج 32 32 32 तो अगर मैं तीसवीं आयत से पूरा ये मुकम्मल हो जी, जाएगा काम तीसवीं आयत खरूज एक्सोडस चैप्टर थर्टी टू उसकी तीसवीं आयत थर्टी और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावंत के पास ऊपर जाता हूं शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा हाय इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया हुँ। हुँ। और अब अगर तू इनका गुनाह मुआफ कर दे तो खैर वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है, है मिटा दे मिटा दे मिटा देखिए अभी जो है मूसा भी इंटरसीड कर रहा है इस कलीसिया के तो अब जो खुदा के खादिम को यह खत समझ आ रहा है वो समझते हैं कि उनकी चर्च डेड है उनकी कलीसिया डेड है और वो बहुत कोशिश कर चुके हैं तो वो मूसा की तरह इंटरसीड करें सरफराज और कहें कि खुदावन जो इन उन्होंने गुनाह किया है उसे माफ कर और कलीसिया की भी जो है उसकी जरा तंबी करें उसको रिब्यूक करें उसे डांटे और अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करेंदम को बताया जाए

ये नो गैर कौमां कर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है और जो अजक सा चर्चि हो रहा है ਲੋਕੀ ਯੂਜਨੋਮਿਕਸ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਦਸ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਰਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯੂਹਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਮਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਦਸ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਨਰਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਯੂਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੱਤ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਚਰਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਫਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਰੋਸ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੀਕੈਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਿਸਤਿਕਲੀਸੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਿਸਤਿਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਤੰਬੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਗੋ ਉਠੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਯੈਸ ਖੁਦਾਵੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਉਠੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਵਾਕ ਕੋ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋ ਫਸਾਮਨਾ 69 ਵਰਸ 28

और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हो उनके नाम किताबें हयात से मिटा दे जाए मिटा दिए जाए और सादकों के साथ मंदर्ज ना किए जाए यानी उनके साथ दर्ज ना किए जाए सही बात है हाँ साधकों के साथ रखे जाए लेकिन जो खुदा से दूर हैं सच्चे लोग नहीं हैं उनके साथ उनके नाम ना लिखे जाए क्या बात है तो और भी हवाले हैं जैसे लूक रसूल की अंजील उसका दस उसके बीस में पढ़ सकते हैं क्योंकि अक्सर जो नई न्यू टेस्टमेंट की कलेसियाँ थी वो नजात पे एम्फिस देती थी नजात का मुक्ति का ज़्यादा बात करती थी कि हमें सेव होना बहुत ज़रूरी है अपने गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है मतलब तौबा करके खुदा के साथ बादशाह में दाखिल होने की पूरी कोशिश करनी है इसलिए खुदा हम यीशु मसीह भी इस टर्म को यूज़ करते हैं लुका दस बीस में और इसी तरह से अपोस्टल पॉल फिलिपियो चार तीन में Uh, और ये जो जैसे कहते हैं कि जो हिब्रू बोलते थे सरफराज वो चर्च के पहले फर्स्ट बॉर्न थे

वहाँ सिनेगॉग भी था और जो सिनेगॉग भी जाने वाले थे लोग यूदी भी थे प्रैक्टिस करते थे अब जो थे यहूदियों में से ही बहुत सारे और नॉन क्रिश्चियन जो लोग थे पेगन वर्शिपर पर थे वो खुदा पे ईमान ला रहे थे आज भी हमारी चर्चेज़ में कौन आ रहे हैं नॉन क्रिश्चियंस आ रहे हैं वो देर इंट्रीड इतनी सिंपल खुदावंद की जो टीचिंग है इतना आसान है इसे कबूल करना और खुदा जो है हमसे बात करता है हमारी सुनता है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो है वो वो उसका चाम उसका जो मोहब्बत जो उसका खिंचाव था वो ठंडी पड़ती किसकी वजह से पड़ती है क्योंकि जो चर्च, चर्च का पास्टर है वो खुद ठंडा है और जो जोशदार जो कलीसिया बाहर से खुदा का नाम सुन के शिफा पाके के देख के वो आती है लेकिन जब वो चर्च में आती है तो आगे क्या

तो क्योंकि इस कलिसिया को रूल कदस की रूह कुदस की जरूरत थी यानी पाक रू के चूंकि हम देखते हैं कि अः उनको पहली जो लफ्ज कहते हैं तीसरी आयत में पस याद कर जब हम देखते हैं कि याद कर खुदा कहता कि याद कर तो हमें देखना चाहिए कि क्या मसला क्या है तो खुदा जो मसला उनको खुद ही बता देते हैं कि याद करके माजी के शानदार जो रूहानी बेदारी आई थी जब पुलिसें शुरू होती है नया न्याय होता बड़ी खूबसूरती थी बड़े बड़े ईमानदार लोग इकट्ठे होते है। है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वो ठंडा होना शुरू हो जाता तो खुदाओं ने कहा कि बेदारी के दिनों में याद दिलाता खुदाउन जब बेदारी के दिन आए थे तो मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि वो उन दिनों को याद कर क्योंकि इफ्सस की को खुदाओं ने कहा था के, तो कर के नेकी की नसीहत की गई थी, थी। सरदीस को यह याद करने की नसीहत की गई है कि किस तरह कलीसा में एक बार रूहानी कुत और बेबिया खुशी आई थी खुदावनी याद कराते हैं तो कहते है, याद करके तेरे अंदर बेबिया खुशी आ गई थी एक दफा और रूहानी कुत से तू तुलस हो गया था जब पहला चर्च खुला तो लोग यानी बड़े खुश और बड़े ही जोश तरीके से और वर्षप करते थे अब उनको ये खुदा याद कराते कि याद कर ये लफ्ज खुदा दोनों ने सच्चाई को सुना और कबूल किया और कुछ अर्सा के तक तो उसको पकड़े रहे ही हो रहा है। किसी दूसरे रस्ते पे चले जाना सच्चाई के रस्ते को छोड़ के बर्गश्ता हो जाना कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर लेना उधर भी ठीक है या इधर भी ठीक है उन्हें नसीब की जाती है कि इसको थामे रहे किसको थामे रहे जो पहली कलीसिया जो पहला जोश और पहला जज्बा था कलिसिया में सर्दीस की कलिसिया को खुदा नसीहत करते हैं अजीज बहनों भाइयों उन्हें नसीहत की जाती है इसको थामे रहे और क्या करें तोबा करें उनको क्या करें तोबा करें जी तो खुदा का खुदा ने उनको यह नसीहत की है कि तोबा की तरफ तोबा करें अब जो है खुदा वही बार बार जो इनको मौका दे रहे हैं ऐसी कलिसियां जो अब भी इस वक्त मौजूद हैं सुन रही हैं उनको खुदावन जो है खबरदार कर रहे हैं और मौका दे रहे हैं सफर एंशंट तो जो सिटी होती थी जो उस वक्त की जो एक रजिस्टर रखा जाता था जिसमें नाम दर्ज किए जाते थे कोई ठीक है जबकि उनके जो भी सिटीजन होते वहां के रॉमल हाँ जी बिल्कुल हाँ उनको सिटीजनशिप हाँ, दिया, दिया जाता था और जो क्रिमिनल्स होते थे जो जैसे कह रहे के चोर डाकू मर्डर इस तरह के लोग होते थे उनका नाम उस रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाता था राइट राइट हाँ जो बुरा काम करते थे उनका जैसे इवन नाउ अगर आप आपको किसी ने तंग किया है आप उसकी रिपोर्ट करने जाए पुलिस स्टेशन तो वो फॉरन देखते हैं कि ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका नाम फौरन ऊपर पर आ जाता कि हाँ जी ये इसका नाम है पहले भी क्या हुआ इसने पहले भी ये बुरा काम तो इसी तरह से जो उनका एक रजिस्टर होता था उसमें तमाम लोगों के जो नाम लिखे जाते थे लेकिन अगर कोई बुरी करतूत करता काली करतूत करता बुरा काम करता तो फौरन उसका नाम वहां से मिटा दिया जाता और वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता कुछ कुछ उसका अकाउंट मतलब उसकी कोई उसका नामो निशान पीछा खत्म पीछा उसका खत्म कर दे इसीलिए खुदावन जी जो है इस नाम का जिक्र यहाँ करते हैं कि किताबे हयात में जो उनका नाम लिखा जाना बहुत जरूरी है तो अब देखते हैं कि जो जैसे पर्जियन और ये सारे जो एम्प्रायर जैसे एम्पायर जिनके आपने बात किया अलेक्जेंड्रिया फलाना ये वो सब कुछ आए तो इन्होंने ये ये थे ये बहुत पूरे एरिया में फैले हुए थे जाहिर है तो इनका बहुत जो था इफ़ेक्ट था और जो इनका सिस्टम था वो फाइनल मतलब बहुत अच्छा था उस उस वक्त के लिहाज से तो खुदा मादी इन बातों को लेके आखिरी फाइनली ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है मैं मौका देता हूँ छठी आयत पढ़ दे तो उसमें खुदा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ तुम तोबा करो हम्म hmm. क्योंकि तुझे मैंने बाप के सामने पेश करना है ठीक है जो खुदा का बेटा है उनसे वादा करता है कि मैं तुम्हें पेश करूंगा और मतिर सुन जी उसकी दस बत्तीस अपने आप ऑन टाइम में पढ़े लेकिन खुदा के कला में लिखा मी बिफोर बिफोर आई विल हिम फादर इन तो कहते हैं है कलिसिया मेरा अगर तुम इनकार करोगे तो मैं भी बाप के फरिश्तों के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा।, करूंगा तो लेकिन अगर तुम मुझे जानोगे मेरी गवाही दोगे मेरे पीछे चलोगे तो मैं आसमान पे जब तुम आओगे खुदा के सामने तो मैं भी तुम्हारा इकरार करूंगा इसी के साथ

जिसके कान हो वो सुने के रूह से क्या फरमाता है क्या फरमाता है God bless you, बहुत ये तो थी का हुआ। अगले टाइम में अगले वक्त में, फिर भी हम जो, करेंगे। जो भी कलीसिया जो निचोड़ है जो कलीसिया रूह रूल कुदस के जरिए से चलती है वो हमेशा वो कामयाब होती है वो गालब आती है और वो है हमारी अगली कलिसिया फिलेडल्फिया की तब तक के लिए हमें इजाजत दें जय मसी की जय मसी की